24 तारीख की, तो पिछले वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी आप 24 तारीख में जयंती अपने घर से मनाए और रविदास जी के झंडे लगाए, सभी अपने घरों पे रविदास झंडे लगाए। और उसके दो दिन बाद जो है 26 तारीख में बड़े आश्रम में रविदास जयंती मनाई जाएगी बड़ी धूमधाम के साथ। जो है पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी और फिर शाम को सत्संग भी होगा। तो सभी भाई जितने साधु संत हैं सभी महापुरुष वे भी आए, और भाई भक्त लोग भी सभी 26 तारीख में रविदास जयंती में भाग लें। हरिदास जी की समाधि से शोभा यात्रा चलेगी और बड़े आश्रम पे पहुंचेगी। तो सभी भाई उसमें आने का कष्ट करें। देखिए हम सब एक ही हैं, सतीश दास जी हो, गोवर्धन दास जी हो, हम हमारे जितने भी आश्रम हैं हम सब एक ही हैं, हम सब मिलकर ही कार्य करेंगे। क्योंकि हमारे मंदिर को बड़ा मंदिर कहते हैं, आश्रम का नाम भी बड़ा आश्रम है। तो इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है भाई अपने गांव से शोभा यात्रा में चाहे वो ढोरी लेगा भाई एक दो ढोर लेगा जाए, क्योंकि हमने देखा काशी जी में जब जयंती निकलती है तो वहाँ से पूरे क्षेत्र से वहाँ पूरी रात शोभा यात्रा चलती है। कोई ऊंटों पर सजा कर ला रहे, कोई बैलों पर सजा कर ला रहे, पूरी रात ढोल डबते हैं। तो इसलिए आप भी अब अपने गांव से चाहे दो ढोल वाले लेकर आवें, हम भी कोशिश करेंगे एक आधा बैंड या डीजे करने की। तो सभी भाई यहाँ पर ऐसा दिखा दें सुकर ताल में भाई हमारे समझाता आश्रम है, हम थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और वो सत्संग भवन भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो 3 अप्रैल से पहले पहले छप जाए, और 3 अप्रैल का सत्संग जो है वो उस सत्संग भवन में ही हो। तो आप सभी भाई अधिक से अधिक अपने प्रोग्राम से यहाँ पर हो, सत्य अनुसया धाम में हो, समनदास जी महाराज के आश्रम पर हो, या बड़े आश्रम पर हो, या समाधि पे हो, सभी भाई अधिक से अधिक आया करो। हम सभी एक ही हैं, क्योंकि संगठन में ही बल होता है। तो हम जब सभी मिलकर चलेंगे तो सारे काम सफल होंगे और दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा। तो 26 तारीख में रविदास जयंती में भाग लें सभी भाई, माताएं बहने संत जन सभी आए। तो मिलकर बोले शिरोमणि संत रविदास जी की, जो बोले सुंदर भय शिरोमणि संत रविदास जी महाराज की, हरिदास जी महाराज की, समनदास जी महाराज की, बालदित्य जी महाराज की, बालकदास जी महाराज की, उदादास जी महाराज की, जुम्मादास जी महाराज की, सभी महापुरुषों की, सभी महापुरुषों की